पीएम मोदी जब भी किसी दूसरे देश जाते हैं या फिर किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, वो उनका दिल जीत लेते हैं। शायद यही वजह है कि चाहे पुतिन हो या फिर बाइडेन, या फिर वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ही क्यों ना हो, जब भी पीएम मोदी की इनसे मुलाकात हुई, ना चाहते हुए भी ये पीएम मोदी के दीवाने हो गए। ऐसा ही कुछ इस बार टोक्यो में हुए क्वाड सम्मेलन में भी हुआ। जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों से जब पीएम मोदी मिले, तब चीन समेत कई और अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के साथ पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया जिसने दुनिया के इन बड़े नेताओं को पीएम मोदी का मुरीद बना दिया। इस बार क्वाड की बैठक में गए पीएम मोदी ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों को तोहफे में गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की बेहद खास और दुर्लभ वस्तुएं दी। पीएम मोदी ने जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक खास तोहफा भेंट किया। बाइडेन को पीएम मोदी ने यूपी के मथुरा से संबंधित ठकुरानी घाट की थीम पर बना एक साझी कलाकृति भेंट की। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में बनाई जाने वाली इस पेंटिंग की खास बात यह है कि इसमें न ही किसी मशीन का इस्तेमाल होता है और न ही किसी बनावटी रंग का। कैंची या ब्लेड के इस्तेमाल से इन स्टेंसिल्स को काटा जाता है और सांझी को अक्सर कागज की पतली शीट पर उकेरा जाता है। इतना ही नहीं, टोक्यो में जब पीएम मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्रियों योशिहिदे सुगा, योशिरो मोरी और शिंजो आबे से मिले तो ऐसा लगा कि वो अपने किसी बरसों पुराने दोस्त से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जापानी प्रधानमंत्री को पतामदई रेशमी चटाई भेंट की। इस चटाई की खासियत यह है कि इसे तमिलनाडु के तिरुनेलवी जिले के पतामदई गांव में बनाई जाती है, जिसे तमेरापानी नदी के तट पर उगने वाली कोरई घास से इस रेशमी चटाई को बनाई जाती है। मीटिंग के बाद जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित पीएम एंथनी अल्बनीज से मिले तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पीएम को मध्य प्रदेश की गोंड कला की पेंटिंग भेंट की। बता दें कि गोंड पेंटिंग आदिवासी कला के सबसे खास स्वरूपों को दर्शाता है। इस तरह की पेंटिंग एमपी के गोंड समुदाय के लोगों के घरों की दीवारों और फर्श पर देखने को मिलती है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ने अपने जापान दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चौके छक्के तो लगाए ही, बल्कि इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स के साथ उस केमिस्ट्री का भी परिचय दिया जिसकी वजह से जापान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पीएम मोदी की जय जयकार हो रही है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।